नमस्कार, मैं श्री सुधीर नवनाथ कुमार रहने वाला सापटने पोषी तालुका माड़ा जिला सोलापुर महाराष्ट्र बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारा देश मेरी बात सुने, सारे साधु संत महंत सारे शंकराचार्य मेरी बात सुने। इससे पहले भी मैंने आपको विनती की हुई थी कि हमारे पुरखों ने जो ज्ञान एकत्रित किया हुआ है उसमें सबसे बेहतरीन ज्ञान है आयुर्वेद। आयुर्वेद में जंगली जड़ी बूटियों का अच्छी तरह से विवरण मिलता है। आप वो आयुर्वेद का पूरी तरह से अध्ययन करें और अपने ही हर एक शंकराचार्य जी के मठों में, हर एक अखाड़ाओं में आयुर्वेद की संबंधित जंगली जड़ी बूटियों की शाखा खोले। और आप जहाँ भी जाए, जिसके भी घर जाए या प्रवचन को जाए, कीर्तन को जाए, तो वहाँ पे जो जो कोई बीमार है, बूढ़े हैं, उनको आप वो जंगली जड़ी बूटियों की जानकारी दे या दवाई दे। इससे लोगों का जो खर्चा है आरोग्य पे वो कम हो जाएगा और उनको धर्म में आस्था भी बढ़ेगी। हमारे जो पुराने साधु संत महंत थे वो इस तरह का ज्ञान रखते थे और धर्म पे लोगों की श्रद्धा बढ़ाते थे। इसीलिए धर्म भी टिका था और लोग बहुत बड़ा जो दान धर्म भी करते थे और साधु संतों को अच्छी तरह से मान सम्मान भी देते थे। आजकल किसी भी अखाड़ों में और या फिर शंकराचार्य जी के मठों में मैंने तो नहीं देखा कि आयुर्वेदिक जंगली जड़ी बूटियों की शाखा होगी। उन्हें खोलनी चाहिए। वो यूट्यूब या और भी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है जो जंगली जड़ी बूटियों के नाम पे अगर आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो आसानी से वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप वो जानकारी एकत्रित करें और आयुर्वेद में उसकी क्रॉस चेक करें या फिर उसकी तहकीकात करें और उसकी सच्चाई जाने और आप खुद सारी जनता को दीजिए। सरकार से आप वो रजिस्ट्रेशन ले लीजिए जंगली जड़ी बूटियों की विभाग खोलने की और आप जनता का दुख दूर करें। इससे जनता में आपका विश्वास बढ़ेगा और धर्म भी बढ़ेगा। मैं आने वाले लोकसभा का फेस करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ लोकसभा चुनाव को फेस करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ सारे साधु संत मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं खुद सरकार में बैठकर इस तरह से सारे धार्मिक संगठनों को, सारे शंकराचार्य जी के मठों को परमिशन दूँ। धन्यवाद।